पे हो गई है हमारी पूजा उठो देव खाओ उठो देव खाओ उठो देव वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे सेहतमंद होंगे खुशहाल होंगे तो अभी शाम का टाइम है शाम के बज रहे हैं साढ़े पाँच और बाहर देखो ऐसा लग रहा है जैसे छः बज गए हो साढ़े छः का टाइम हो गया हो मतलब अंधेरा होने लगा है यहाँ पे और आज है देव उठी एकादशी और तुलसी विवाह भी तो आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं तो यहाँ पर मैं अभी किचन में हूँ मेरा आधा खाना बन गया है मतलब पूरा ही मान लो खाने की तैयारी जो है वो हो गई है और इसलिए जल्दी की है क्योंकि देवउठी एकादशी है पूजा भी करना है फिर हम सब लोगों को मिलके इसलिए हम लोगों ने जो है खाने की तैयारी जल्दी कर ली यहाँ पर बन रहा है ये हमारा खाना बता देती हूँ आपको यहाँ पर ये साबूदाने की खीर बन रही है ये देखिए ये वाला बर्तन जो है हम लोग मार्केट से नया लाए थे तो सोचा चलो आज इस पर कुछ पहली दफ़ा कुछ मीठा बना देती हूँ और यहाँ पर पक रही है आलू टमाटर की सब्जी पूड़ी के साथ जितनी अच्छी आलू टमाटर की सब्जी लगती है ना उसका कॉम्बिनेशन किसी की सब्जी के साथ नहीं हो सकता ये देखिए तो बस मोस्ट ऑफली सब्जी हमारी पक चुकी है यहाँ पर ही हमारा आटा गुद के तैयार है पूड़ियों का खीर पक चुकी है इसमें शक्कर मिला के और चार पाँच मिनट पका लेंगे जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ पूजा की जितनी भी तैयारी हो पाए फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि शाम को ही इसकी पूजा होती है देव उठी की तो यहाँ पर ये जो गन्ने लाए थे पापा बीच आंगन में रखे हुए थे तो उनको साइड पर रख के और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ रंगोली एक्चुअली हम लोग तुलसी का पौधा ही रखते हैं बट तुलसी जो है आप लोगों को दिख रहे होंगे जमीन में ही लगी हुई है तो फिर कहाँ से लाएँ पौधा इतनी जल्दी बन भी नहीं सकता तो फिर यहाँ पर मैंने तुलसी मैया का पौधा ही अ रंगोली के रूप में बना दिया है और मुझे पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा भी बना लूँगी बस जैसे ही दिमाग में चलता गया मैं बनाती गई और ये देखिए बड़ा प्यारा पौधा बन तैयार हुआ है सच में तो आ, मैं यहाँ पर सोच रही हूँ पूजा की तैयारी कर दूँगी और मम्मी जी जो है थाली लगा रही हैं पूजा की और फिर उनको बाहर मंदिर पे भी पूजा करने जाना है तो मैंने कहा चलो थोड़ी कुछ तैयारी मैं यहाँ पर कर लेती हूँ खाना तो बन ही रहा है वैसे सब तैयारी हो गई है खाने की बस पूड़ियाँ वगैरह सेकनी बाकी है तो ये यह देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी रंगोली लग रही है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है शुभ विवाह क्योंकि तुलसी मैया का आज विवाह भी है और बड़ी प्यारी सी लग रही है सच में तुलसी मैया और यहाँ पर जी ने ये गाय के गोबर के गणेश जी भी बना दिए हैं तो चलो अब श्रेय को देख लेते हैं वो क्या पढाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है क्योंकि उसका होमवर्क है अभी

जो पूजा है यहाँ पर गणेश जी बनाए जाते हैं उसके बाद जो भी सब्जियाँ जो भी फल आपके पास अवेलेबल हो वो सब यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं ये एक ऐसी पूजा है यहाँ पर फ्रूट के साथ साथ सब्जियाँ भी चढ़ाई जाती हैं और यहाँ पर मम्मी जी अभी होम धूप करेंगी हम दोनों ही मिलकर और प्रसाद में रखा है खीर पूड़ी जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया हुआ है और बाकी के ये फ्रूट वगैरह तो यही एज अ प्रसाद जो है इनको चढ़ाया जाता है तो बस हम लोग होम धूम धूप करेंगे उनकी आरती करेंगे और उसके बाद अच्छे से उनकी पूजा करेंगे अच्छा यहाँ पर मैं श्रेय को बुला रही थी कि श्रेय आ जाओ आप भी देखो आप भी हमारे साथ पूजा करो तो वो आ गया है और बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर से करना चाहिए जो भी आप संस्कृति है जो भी आपकी या जैसे भी आप पूजा पाठ करते हो बच्चों को जरूर इन्वोल्व करके और देव उठी या कोई भी त्यौहार क्यों मनाया जाता है उनके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए और श्रेय ने अपने दिवाली के पटाखे अभी तक संभाल के रखे हुए हैं क्योंकि दादू और इनके पापा इतने पटाखे नहीं चलाने देते बट ये कुछ पटाखे उन्होंने संभाल के रखे हैं आज के दिन चलाने के लिए तो बस वो वही चला रहा है और वो बड़ा खुश होता है पटाखे चलाने से बट हमारे घर में ना पापा जी वगैरह को पसंद नहीं है उनका कहना ये कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है एंड रियली really, मैं भी अभी वीडियो में देख पा रही थी काफ़ी पॉल्यूशन हुआ तो बहुत ज़्यादा नहीं चलाए बस ये जो फुलजड़ी है हम लोगों

का के <laughs> <और दन्ना। laughs> तो हम दोनों की ऐसे ही मस्ती मजाक चलती रहती है और अच्छा भी लगता है ऐसे हंस खेल के ही पूजा करना चाहिए नहीं कि बल्कि एक दूसरे से रूट कर भले ही आप भगवान जी से अच्छे से बिहेव कर रहे हो बट अगर आप घर में एक दूसरे से रूठे हुए हो तो वो पूजा भगवान जी को स्वीकार नहीं होती है तो हमेशा हंसी खुशी यू नो पूजा करनी चाहिए तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए यहाँ पर मैं पूड़िया सेक रही हूँ और मम्मी जी सबको सर्व कर रही हैं क्योंकि जल्दी से खाना बना करके फिर काम निपटा करके भजन में जाना है कीर्तन हो रहे हैं हमारे मंदिर पे एक्चुअली एक भजन मंडली आ रही है तो काफ़ी देर रात तक कीर्तन वगैरह भी होंगे हो सकता है मैं आपको वहाँ पर ना ले जा पाऊँ क्योंकि काफ़ी सारी भीड़ रहेगी तो इसलिए शूटिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अच्छा देव उठी एकादशी इसलिए मनाई जाती है कि आज के दिन देव देवी देवता जो है उठ जाते हैं तो इसीलिए सारे शुभ प्रसंग शादी जैसे विवाह जैसे कार्यों का आज से प्रारंभ हो जाता है साथ ही साथ आज के दिन तुलसी जी का विवाह भी है अच्छा ये नेक्स्ट डे आफ्टरनून का टाइम है लंच वगैरह मेरा हो गया है मतलब बन गया है और कर भी लिया है सब कुछ और सबको करा भी दिया है किचन क्लीनिंग मतलब दोपहर के जितने भी काम थे वो निपटा करके और यहाँ पर जल्दी से मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ बाहर काम भी है मार्केट में और साथ ही साथ मुझे श्रे के स्कूल भी जाना है थोड़ा सा विजिट करने के लिए इसलिए तो बस अब हम लोग निकलते हैं और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ होप यू आपको आज के मेरे ब्लॉग पसंद आए पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज विद बेल आइकन मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय गाइज